क्या थेपला। सो गैलप्स फूड फूड प्लाजा पहुंच चुके हैं और ये ऑर्डर किया है, बहुत ही भारी भरकम नाम और फिर से भूल गए। ओरियो बिस्किट जो कैमरे से छुपते हैं ना, उन्हें हम छुपने नहीं देते। तो अब गुरु का जाने का टाइम हो गया, अच्छा लगा काम करके। चलो बाबा रब रखा, रब रखा, रब रखा, यस रब रखा। सो अभी हम पहुंचे थे अहमदाबाद से वडोदरा, और अब वडोदरा पहुंचने में अभी तक हमें लगे 5 घंटे। 5 घंटे का ये सफ़र बहुत ही अच्छा गया और अब हम सोलो पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर हमारे कुलदीप भाई थे, वो भी जा चुके हैं। गुरु थे, गुरु को हमने अहमदाबाद छोड़ा, वडोदरा में हमने कुलदीप भाई को ड्रॉप किया और अब निकल गए हैं पुडुचेरी के लिए। पता है जब इस तरीके से बोर्ड आते हैं ना, मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि यस कि एक जो डेस्टिनेशन है वो हम ने कंप्लीट करी। तो ये पॉजिटिव साइन होते हैं यार। लाल परी में एसी लग जाएगा ना तो ये सफ़र ना जितने भी हैं बहुत ही सुहाने हो जाएंगे। वैसे तो अभी भी यार हमारे लिए अच्छा है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि नेचुरल जो एयर है हम उसका एंजॉय करके चलते रहते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और दूसरा हमारे लिए एक एडवांटेज है कि एवरेज जो होती है वो भी अच्छी आती है। फिर भी स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी तो एसी सही करा देंगे, क्योंकि यार मोटा खर्चा है लाल परी में, आप सभी समझ सकते हो। वॉल्स हो गए ना ये, लेकिन है बहुत ही भयंकर कार, कार नहीं लाल परी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। सो यहाँ पर दिखा रहा है मुंबई अभी 433 किलोमीटर, मतलब 433 किलोमीटर है बस। होय 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 शाबाश तेरा। देखो इस तरह का व्यू ना एक ही जगह मिल सकता है लाल परी में। मामे आ गए थे इस वजह से नीचे करना पड़ा फोन, समझा करो। चालान कटेगा तो मोटा कटेगा। हाँ तो हम बोले थे कि 2000 मतलब 2100 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 4 स्टॉप बनते हैं 500 किलोमीटर के। 4 स्टॉप में हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर, पौंडीचेरी। फिर वडोदरा से निकलने के बाद ना इतना गंदा ट्रैफिक मिल रहा है ना, सीरियसली लाल परी को चला ही नहीं पा रहे हैं और सफ़र भी कट नहीं रहे। अभी हम सूरत भी नहीं पहुँचे हैं, बहुत लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। पता नहीं और कितना टाइम लगेगा, अगर इसी तरीके से ट्रैफिक मिलेगा ना। सो स्पीड देख रहे हो, स्पीड भी कुछ नहीं आ रही है, कोई खास स्पीड नहीं है, 40-50 की स्पीड आ रही है। और एवरेज भी अपना लाल परी की 31 से आ चुकी है 24। यार ट्रैफिक इतना है हद से ज़्यादा। सो वैसे तो हम सोलो पे निकले हैं, लेकिन हमारे बर्गर के अकॉर्डिंग हमें कोई नहीं कह सकता कि हम सोलो के लिए निकले हैं। भूख बहुत तेज लगी थी ना, इस वजह से एक साथ 4 ऑर्डर कर दिए हैं, 4 और आ रहे हैं। टोटल 8 बर्गर खाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे, रात भर ड्राइव करेंगे। निकले तो बारिश हो गई है, एक नुकसान है पता है क्या, अपनी लाल परी में ना एसी नहीं है, और बारिश की जब बूंदें पड़ती हैं तो शीशे बंद रखने पड़ते हैं, अंदर मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टफ हो जाता है हमारे लिए लाल परी को सफ़र में हम सफ़र बनाने में। सो फाइनली उस ट्रैफिक से बाहर निकलकर अब इस रोड पे आए, और अब आगे आने वाला है थाने। सो थाने पहुँचने वाले हैं। सो ये वो ग्राउंड है जहाँ पर हम लास्ट ईयर आए थे, फादर एग्नेल का एक टूर्नामेंट हुआ था 515, बहुत ही मज़ा आया था, नैन पटेल भाई ने करवाया था। और तन्मय भाई की आप वीडियोस देखते हो तो वो इसी जगह मिलती हैं। तो इस जगह से गुजर रहे थे पौंडीचेरी के लिए, तो ये रास्ते में मिला तो सोचा कि इस ग्राउंड पर वापस दोबारा दर्शन कर लें, अच्छा लगा यहाँ पर आकर। फिर से जो ताजगी मिल रही है ना इस कोर्ट पे आके, सुकून मिला इस ग्राउंड पे इस तरीके से देख, अच्छा लग रहा है, अच्छा ग्राउंड है काफ़ी। नैन भाई दोबारा टूर्नामेंट कराओ, हमें आना है, हमें यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट फिर से करना है और इन्जॉय करना है मुंबई की लाइफ। वो बारिश आ गई, निकलते हैं फटाफट यहाँ से। और पौंडीचेरी का अभी भी यहाँ से ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 20 घंटे का और सफ़र है। चलो चलो बारिश आई, हमने हैं पनवेल और फिर लोनावा। सो
सो हमें जाना है पनवेल लोनावा की तरफ और ये जाएगा फिर बेंगलोर। भाई जिस चीज़ का वेट था ना वो वेट ख़त्म हुआ और व्यू ऐसी जगह खड़ा हूँ ना मन कर रहा है यहीं पे रह लूँ, इतना अच्छा व्यू है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और सोने पे सुहागा ये रहा पीछे झरना। भाई मन तो कर रहा है यार इस झरने में मुंह वगैरह धो लूँ, लेकिन है ना ऊपर डर भी लग रहा है क्योंकि बरसातों में यार लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, तो डर भी है और देख रहे हो पत्थर भी ऐसे है ना भाई, डर तो बनता है। तो अभी गए अपनी लाल परी है वहाँ पर और ये लाल परी ऐसी नहीं खड़ी, ये जो व्यू देख रहे हो ना आप ये इसलिए खड़ी है, इस व्यू को दिखाने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं लाल परी को। कैसा लग रहा है लाल परी तेरे को ये व्यू? अच्छा लग रहा है ना? हमने भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसको देख के और भी अच्छा लग रहा है ब्रो, और भी अच्छा। चलो अब चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। बिल्ला बाजी ना शायद इसी व्यू के लिए कह रहे थे कि बहुत ही तगड़ा व्यू होगा सैंडी बाजी। भाई साहब मजा है, मजा मजा में मजा में पूरे पहाड़ ना फॉगी से छुपे हुए हैं, मजा में। बस प्रॉब्लम पता है क्या, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक ना हो ना तो मजा आ जाए। ओए होए सभी के सभी यहाँ पर फोटो वीडियो क्लिक करते हुए। सो अभी अपनी लाल परी में फ्यूलिंग हुई है तो फ्यूल आया है 3555 रुपए का 38.20 लीटर, रेट है यहाँ पर 82.9 नहीं रेट है यहाँ पर 93 रुपए लीटर है। जी अपनी कार में फ्यूल डल चुका है और टैंक हो चुका है फुल और अभी वह है 218977 किलोमीटर्स और अभी यहाँ से बेंगलोर बचा है अप्रोक्स 680 किलोमीटर्स और भाई अभी बहुत लंबी जर्नी है, कोई बात नहीं फ्यूल डल गया तो ख़त्म भी होगा, ख़त्म भी होगा तो चलेगी भी, चलेगी तो सफ़र भी कटेगा, सफ़र कटेगा तो डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे भी। बस इसी तरीके से चलते रहेंगे, पहुंचते रहेंगे, बताते रहेंगे, करते रहेंगे, व्लॉग को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, करवाते भी रहेंगे। सो हमारा कट गया पोपट, पोपट बोल दो फुद्दू बोल दो, कट गया हमारा। हुआ क्या कि हम यहाँ पर स्टे लिया था हमने थोड़ा सा नींद को पूरी करने का, पूरी नींद को पूरी करने के लिए, लेकिन हुआ क्या कि पता चला कि लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए कुछ BFI की तरफ से फॉर्म है वो फिल करने पड़ेंगे तब लाइव स्ट्रीमिंग का अप्रूवल मिलेगा, उसमें भी क्या चेंजेस होंगी वो कुछ नहीं पता। फॉर्म फिल कर दिया है, जो भी डिटेल थी वो सारी फिल कर दी है, दो फॉर्म थे दोनों फिल करके BF बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेल कर दिया है। अब पता चलेगा कि पौंडीचेरी जाकर कि अप्रूवल मिलता है या नहीं मिलता, बहुत बड़ा टास्क था कंप्लीट किया और अब अगर हम अभी से निकलते हैं तो सुबह पहुंचेंगे 5:30 बजे ऐसा गूगल दिखा रहा है, तो अगर गूगल 5:30 बजे दिखा रहा है ये नॉन स्टॉप है, लेकिन हमारी नींद पूरी नहीं हो तो एक स्टॉप तो बीच में अब लेना पड़ेगा, तो ज़रूरी है क्योंकि नींद को पूरा करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि रात है और भी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, पर ऑलरेडी 26 घंटे की जर्नी हो चुकी है
सो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा ये जो फॉर्म भरने में टाइम लगा है ना हमारा, वो बहुत ही गलत लगा है, पर ठीक है, जो भी होता है अच्छा होता है। बाकी तो हमारा और आप सभी का रब रखा है। तो यहाँ पर खड़ी थी अपनी लाल परी। लाल परी का कलर देख रहे हो कैसे चेंज हो गया है, बॉनेट का कलर कुछ और आ रहा है, लाइट का कलर कुछ और आ रहा है, व्हील का कलर कुछ और आ रहा है, और इसका कलर कुछ और आ रहा है। और ये हाईवे है जो सीधा जाएगा अभी कहाँ पर, बेंगलुरु। तो चलो चलते हैं फटाफट। अब लाल परी ना गंदी बहुत हो गई है, बिकॉज पता क्या, बारिश इतनी हुई है ना पूरे रास्ते, बारिश बारिश बारिश। आए आए, जब ये इस तरीके से करती है ना बहुत ही प्यारा लगती है, ऐसा लगता है कि स्वागत कर रही है हमारा। और करती भी है यार, पता है सफ़र में इससे बड़ा हम सफ़र हमारा कोई नहीं रहता यार। ये भी ठीक है, बहुत कहना मानती है हमारा। सो फाइनली अब निकलने का टाइम है। ओके, इतने टाइम बाद अब थोड़ा सा एक ऐसा रोड है जहाँ पे राइट और लेफ्ट दोनों में आप देख सकते हैं पेड़ है, उनके बीच में ये अमेजिंग रोड। ओए होए, हमें बहुत ही पसंद है इस तरीके के रोड्स। सो अब पौंडीचेरी के लिए ऑलमोस्ट 2 घंटे का सफ़र ये और बचा है। हमने इसकी वॉशिंग कराई है, थोड़ी ठंडा किया इसका इंजन और अब वॉशिंग कराने में लगे हैं। बहुत ही गंदी हो गई थी हमारी लाल परी, लाल की जगह ये इसका कलर लग रहा है, क्या बोलते, ग्रे कलर लग रहा है पीछे से, आगे से भी ऐसे लग रहा है।